गणेश जी केतु। अच्छा बुध नहीं होते, बुध ग्रह। गणेश जी केतु, गणपति केतु है। तो आप फिर देखो, गणपति केतु की एक कहानी बताता हूँ और आपको एक बहुत अच्छा सूत्र मिलेगा इससे, पॉइंट ओके आया तो बताता सर। हूँ। गणपति केतु है और हम क्या कहते हैं, गणपति क्या है, प्रथम पूज्य है। तो सबसे पहले अगर पूजा करनी है तो किसकी करनी है, गणेश जी की करनी है। क्यों करनी है, गणपति के हाथ में क्या है, जितने भूत प्रेत थे ना शिव जी के, गण जिसको हम बोलते हैं, उन गण के पति हैं। अध्यक्ष ठीक है, गणपति का मतलब यही हुआ ना, तो गण के पति हैं। अगर उन्हीं को मना लो तो ये गण तंग नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्हें मनाओ। तो सबसे पहले यू हैव टू सेटल द नेगेटिविटी अराउंड यू, एंड नेगेटिविटी होल्ड्स बाय गणपति, उनको पूज लो। ठीक है, अब इसमें प्रथम पूज्य गणेश जिसको हम कहते हैं, अगर आप इसको अपनी बॉडी में एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपका जो मूलाधार चक्र है वो केतु होता है। ठीक है, जब भी आप जीवन में अपने तरक्की करते हो तो आपकी जो ऊर्जाओं का फ्लो है वो मूलाधार से ऊपर की तरफ फ्लो होती है, एनर्जी जो है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होती है। जिस इंसान की एनर्जी जितना ऊपर तक उठ जाती है वो उतना रिफाइंड हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर लोग मूलाधार और सैक्रल चक्र, इन दो चक्रों तक ही फंसे रहते हैं, इससे ऊपर जा ही नहीं पाते। 90% लोग वहीं तक रहते हैं। 99% जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं दो चक्रों में फंसे रह जाते हैं, खाना पीना, संसार बसाना, शादी करना और खाने का सारा अपना इंतजाम करना, ये इन्हीं दो चक्रों के काम। ठीक है, भोजन और भोग करना, बस इससे ऊपर की सोच ही नहीं है। जैसे जैसे आपकी सोच ऊपर होती जाती है वो तब होगी जब नीचे से उसको पुश मिलेगा। शुरू में ही काम बिगड़ जाए तो कौन सी एनर्जी ब्लॉक है, केतु की एनर्जी ब्लॉक है, क्योंकि केतु शुरुआत है। ठीक है ना, तो आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक होगा तो आपका कोई भी काम बनेगा नहीं, इसलिए केतु को पूज लो ताकि थोड़ी सी तो एनर्जी आपकी रेक्टिफाई हो जाए, चल पड़े वहां से। तो इसलिए जब भी आपका शनि और केतु जुड़ा हुआ हो पत्री में, शनि कर्म है, केतु मूलाधार की एनर्जी है जो सबसे नीचे है, सबसे छोटी, केतु मतलब छोटा है ना, शनि केतु अगर जुड़े हुए हैं ऐसे आदमी को दुकान का मुहूर्त कभी बिग बैंग नहीं करना चाहिए, कोई भी काम बहुत बड़े स्केल से शुरू नहीं करना चाहिए। कर्म शनि केतु छोटा, छोटे से काम से शुरू करो, वो काम धीरे 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 बड़ा हो जाएगा। शनि केतु का आपकी पत्री में योग है, मुहूर्त पे 500 आदमी बुला लिए दुकान के, दुकान 15 दिन में महीने भर में बंद हो जाएगी। यहां तक कि यहां रिकमेंडेड है कि ऐसे आदमी को शादी भी बहुत छोटी सी करनी चाहिए, बहुत छोटी सी, 20-25-50 लोग बुलाए शादी कर दी। कर्म कोई भी हो छोटे से शुरू करोगे वो अच्छा चलेगा, जितना बड़ा करोगे उतना नुकसान हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। केतु कहता है छोटा करो छोटा करो छोटा करो, कैंची है एक मीटर का कपड़ा है, बीच में से काट दिया, छोटा हो गया ना कपड़ा, बाल है कैंची से काट दिए, छोटा हो गया ना कपड़ा, छोटे बाल छोटे हो गए ना। तो कोई भी चीज काटनी है छोटे करनी है तो चाहे आपको कैंची चाहिए, कैंची मतलब केतु। आप मेडिटेशन करते हो बैठ जाते हो, आपका आकार क्या होता है, 5 फुट से 2.5 फुट के रह जाते हो, छोटे हो जाते, तो इसीलिए मेडिटेशन जो है बैठ के होती है। कुछ हमारे यहाँ ऐसा भी मिलता है पढ़ने को कि किसी किसी ने खड़े होके तपस्या करी, बहुत कम है ऐसे केसेस। कुछ हमारे ऋषि मुनि या कुछ राक्षस भी थे जिन्होंने एक पैर पे खड़े होके तपस्या करी, उसमें केतु इंक्लूड नहीं होता, उनकी पत्री में शायद कुछ ऐसा योग होगा जो उन्होंने खड़े होके साधना करने की सोची होगी, लेकिन उनकी पत्नी में केतु एक्टिवेट नहीं होगा, वहां राहु एक्टिवेट होगा। और ज्यादातर ऐसा राक्षसों ने किया, राक्षसों का केतु से कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं। गुरु गोरखनाथ ने किया,
बहुत से हैं, मुझे नाम तो स्पेसिफिक याद नहीं, लेकिन एक टाइम होल्ड करवा दीजिए। हाँ वो विषय अलग है हटियोग का, उसकी अपन बात भी नहीं कर रहे। नहीं हटियोग कर तो आप वही काम रहे हो ना, छोटा तो नहीं कर रहे ना आप अपने आप को, आप बड़ा ही रख रहे हो ना। केतु एक्सक्लूड है उसमें, केतु इंक्लूड नहीं, तो साधना है लेकिन बिना केतु के। सर मार्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन सर, जैसे मार्स अगर रेट्रो है तो खून दान करना चाहिए, जैसे मान लीजिए डोनेट करना चाहिए, अगर उसमें कभी कभी होता है खून किसी का कम ही रहता है या किसी का बढ़ जाता है, उस केस में सर तो मसूर की दाल दान कर दो। नहीं कैसे देखें, मतलब कि खून बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब किसी किसी का होता है कि खून बढ़ जाता है, बढ़ जाता है मतलब हीमोग्लोबिन जो है 16.5 से ऊपर ब्लड। अच्छा नहीं हीमोग्लोबिन वाला पार्ट नहीं पता मुझे, लेकिन मंगल की स्थिति अरे मतलब कुल मिलाकर ब्लड ही मतलब बढ़ता है। हां वो समझ गया, तो हाई अल्टीट्यूड में बढ़ जाता है ज्यादातर, जो लोग हिल स्टेशंस में बहुत ऊपर हाइट तक जाते हैं उनका अक्सर बढ़ जाता है, ड्रिंक वगैरह करते हैं तो ये अक्सर हो जाता है हमें, तो उन लोगों को भी ब्लड डोनेट करना है। उसका मेथड नहीं पता, ब्लड डोनेट ही उसका है, ब्लड डोनेशन। हाँ उसका ब्लड डोनेशन, अगर किसी ने किसी को अगर डॉक्टर ने मना किया है कि ब्लड डोनेशन नहीं करना, तो लाल मसूर की दाल, लाल रंग के कपड़े है ना, हनुमान चालीसा की प्रतियां, कुछ भी दान कर, मीठा डोनेट कर, मीठा मीठा मसाले भी मंगल से आते, तीखे मसाले मंगल से आते, तीखा स्वाद भी सर, तेज मसाले जो मैरिज के पास शादियों में दिए जाते हैं ना, समझ गुड़ के शक्कर पारे सेब बोलते हैं, वो ज्यादा मंगल काम करता है। सर जिम जाना भी मंगल से रिलेटेड होगा, मंगल का एग्जॉस्ट है। सर जो ओबीज होते हैं उनका मतलब मार्स खराब है, नहीं ओबीज अलग, ओबीज तो चर्बी का बढ़ जाना है। हाँ। वहाँ पे जुपिटर है, अच्छा वहाँ जुपिटर है, वहाँ पे फैट ज्यादा हो जाता है, तो मतलब मिठाई मार्स है, फैट इज जुपिटर, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के 2:12 में है ना। चलिए कल हम योग पढ़ रहे थे, जुपिटर केतु तक हो गया था और केतु से हमने डिविएशन लिया था सारा, आज वापस आते हैं जुपिटर वीनस।